नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एमपी पुलिस का जो फिजिकल के बाद यानी कि फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ जो है कितना क्या जा सकता है। इस वीडियो में यही हम चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों देखिए, जो भी स्टूडेंट एमपी पुलिस के फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि आखिरकार जो फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें कितने नंबर लाने चाहिए फिजिकल में जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए फ्रेंड, इसमें मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप अभी ये मत सोचिए कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितने क्या जाएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जो है बहुत ज्यादा मार्क्स जो है फिजिकल में सोच लें और हम जब हम ट्रायल दें, प्रैक्टिस करें, हम देखें टाइमिंग वगैरह, नंबर वगैरह, तो पता चले हमारे बहुत कम आ रहे हैं और उससे क्या है, हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और इससे हमारा पूरा मूड भी खराब हो जाता है और हम फिजिकल पर अच्छे से ध्यान नहीं देते। नहीं यार, हमारा तो फिजिकल खराब है, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों बाद में पता चलता है कि फिजिकल के जो फाइनल कट ऑफ है वो ज्यादा कुछ नहीं गया था, फिजिकल में एवरेज नंबर आप लाते तो हो जाता। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, आप पूरा अपना एफर्ट लगाइए, अच्छे से जो है मेहनत कीजिए, बाकी हो जो होगा वो आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप दोस्तों अच्छे से मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है आप मैक्सिमम मार्क्स फिजिकल में लाने की कोशिश कीजिए, चाहे रनिंग हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे गोला हो, आप दोस्तों अपना बेस्ट दीजिए, अभी कट ऑफ के चक्कर में आप ज्यादा ना पड़े। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कि बहुत लो कट ऑफ चला जाए, हो सकता है कि बहुत हाई चला जाए, तो आप तो दोस्तों क्या करें, आप कट ऑफ के चक्कर में अभी ना पड़े, आप अपना बेस्ट दीजिए, जो भी आपका बेस्ट हो सकता है फिजिकल में वो आप दीजिए। ठीक है, बाकी जो कट ऑफ जाएगा वो तो दोस्तों जाएगा ही, तो आप अभी कट ऑफ के बारे में ज्यादा चिंतित ना हो, आप अपना बेस्ट जो है दीजिए। यदि आप अपना बेस्ट दोगे तो आपके नंबर भी दोस्तों बेस्ट आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, अभी कट ऑफ के चक्कर में आप ना पड़े, आप अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे से जो है मेहनत कीजिए, आपके पास टाइम है अभी काफी कुछ। ठीक है, और दोस्तों ये हम बात करें फिजिकल की, कब तक जो है फिजिकल क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों देखिए अभी जो ऐसा लग रहा है कि 7 जून के बाद ही दोस्तों जो है फिजिकल होंगे। फिजिकल दोस्तों जो है 4 जून को ही वोटिंग काउंटिंग है शायद, तो 4 या 7 को, तो दोस्तों जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक दोस्तों जो फिजिकल की जो डेट वगैरह है शायद ही आए। फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है अपनी तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि दोस्तों हम 100% बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही जो है हमारे फिजिकल होंगे। हो सकता है दोस्तों ऐसा हो जाए कि एमपी में इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद डेट आ जाए, तो आप जो है, हालांकि दोस्तों एमपी में भी 7 मई की डेट है, ग्वालियर क्षेत्र उसमें 7 मई को भी इलेक्शन है। ठीक है, तो एमपी में 4 चरणों में चुनाव है, तो मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें, आप रेस्ट ना करें, ये ना सोचें कि जून में ही होगा। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है और फिजिकल की जो डेट को लेकर आपको कंफ्यूजन था उसके बारे में भी मैं आपको बता दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।